आज भी लोगों के मन में भगवान को लेकर एक अलग ही श्रद्धा और विश्वास देखने को मिलता ही है। हाँ, भगवान होते हैं और कहीं ना कहीं ये सच भी है, फिर भले ही वो हमें दिखे ना। आपको बता दें कि एक बार ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए थे और लोगों की बढ़ती साधना वृद्धि से वो प्रसन्न हुए थे। फिर इससे उन्हें व्यवहारिक मुश्किलें आ रही थी। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो ब्रह्मा जी के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी परेशानियां बताता, उनसे कुछ ना कुछ मांगने लगता। ब्रह्मा जी इससे दुखी हो गए थे। अंधा उन्होंने इस समस्या का निराकरण करने के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, देवताओं में मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ और ना ही तपस्या कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपा ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि ना पहुँच सके। ब्रह्मा जी के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि वो किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा जी निराश होने लगे थे। वो मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं? अंत में सूर्यदेव बोले, आप ऐसा करें कि आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा। ब्रह्मा जी को सूर्यदेव की बात पसंद आई, उन्होंने ऐसा ही किया। वो मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपने दुख व्यक्त करने के लिए ब्रह्मा जी को ऊपर नीचे दाएं बाएं आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वो मिल नहीं रहा। मनुष्य अपने भीतर बैठे हुए देवता को नहीं देख पा रहा है, इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने भीतर के देवता को देखना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान कहीं और नहीं बल्कि उसके भीतर ही समा रहा है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। Oh.